और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बिहार में महागठबंधन को एक और झटका लगा है। कांग्रेस के दो, आरजेडी के एक एमएलए बीजेपी के साथ। आरजेडी विधायक संगीता कुमारी बीजेपी के साथ नहीं तो कांग्रेस के मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरभ भी शामिल होंगे। तो एक बड़ा झटका लगा है बिहार की राजनीति में महागठबंधन को। बिहार में महागठबंधन को एक कहा जा सकता है ये बड़ा झटका। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दो और आरजेडी से भी एक एमएलए बीजेपी के साथ। आरजेडी के विधायक संगीता कुमारी ने पाला बदला है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के भी दो विधायक, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, एक तरफ आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, अभी ऐसा तय था। और कहीं ना कहीं एक तरफ आप देख सकते हैं कि जब वोटिंग हो रही थी, जब शक्ति प्रदर्शन करना था, तब भी झटका लगा था। और कहा जा सकता है 2024 चुनाव के पहले बिहार की राजनीति में महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका जरूर लगा है। आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने पाला बदला है। आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने बीजेपी का दामन थामा, तो कांग्रेस के मुरारी, सिद्धार्थ और सौरभ भी बीजेपी के साथ। तीनों विधायक सम्राट चौधरी के साथ दिखे, तो अब बीजेपी का दामन थामेंगे। और कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा झटका जरूर लगा है। एक तरफ आपने देखा, आज कहा जा सकता है कि सियासत में खास तौर पर झटके पे झटके का दौर रहा। राज्यसभा के लिए आपने देखा उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, क्रॉस वोटिंग हुई। और एक तरफ सपा की तरफ से देखा आपने कितना बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा हुआ है और महागठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। आरजेडी विधायक संगीता कुमारी ने पाला बदला। और देखिए तीनों विधायक, ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, सम्राट चौधरी के साथ दिखे ये तीनों विधायक। और कई बार ये कहा जा रहा था, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक संपर्क में हैं। हालांकि अब तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और आप ये देखिए तीनों विधायक एक साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ दिख रहे हैं। आरजेडी विधायक संगीता कुमारी भी आप ये तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं बीजेपी का दामन थाम लिया है। हमारे सहयोगी सौरभ कुमार पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, ऐसा कहा जा सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले वाकई एक बड़ा झटका लगा है। अब इसके देखिए राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको याद होगा कि 12 फरवरी को जब महागठबंधन, जब एनडीए सरकार को अपना विश्वास मत हासिल करना था, उस समय भी कैसे आरजेडी के जो तीन विधायक थे वो टूट गए थे और वो जदयू के खेमे में आ गए थे और विधानसभा में ये सारा चीज हुआ था, सारा आयोजन हुआ था। जब विश्वास मत हासिल करना था नीतीश कुमार को, ठीक उसी वक्त आरजेडी के तीन विधायक जो हैं वो टूटकर जदयू के खेमे में आ गए थे। और आज उसी तरीके से वही तस्वीर दोबारा दिखाई दी, जब अचानक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वर्तमान में वो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो तीन विधायकों के साथ, यानी दो कांग्रेस के विधायक और एक आरजेडी की विधायिका जो है उसके साथ वो विधानसभा पहुंचते हैं और सीधे वो जो अध्यक्ष हैं नंदकिशोर यादव, जो अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के, उनके कक्ष में चले जाते हैं। तो निश्चित रूप में एक बड़ी टूट हुई है। अभी तक कांग्रेस बिहार में ये कह रही थी कि तो बिल्कुल सौरभ, एक बड़ा झटका लगा है महागठबंधन को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।